दोस्तों, इस कहानी से हम जानेंगे कि जहां हमारा प्रयास पूरा होता है तब उसके आगे की बागडोर ऊपर वाला संभालता है। तो आइए सुनते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभाल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इस बात का खास ख्याल रखना। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूँगा। पार्थ ने कहा, प्रभु, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों न हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों न हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों न हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। और दोस्तों, जो उस सीमा से आगे की बागडोर को संभालता है, उसी का नाम कृष्ण है।